नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी क्वेश्चन आया था मेरे पास, एक भाई ने पूछा था कि लाइफ सेविंग इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं शिप पे, क्या क्या हम ज़रूरत के समय इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आ जाती है, तो क्या काम आता है किस चीज़ का। तो बेसिकली मैं बता दूँ, जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होते हैं, पहला जो आप लोग वियर करते हो, जो आप पहनते हो, तो पहला आपका ऊपर से बताता हूँ, एक सेफ्टी हेलमेट होता है। जब आप कभी जॉब करने जाओगे, जब आप शिप पे जाओगे, तो आपको पूरा एक सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना पड़ेगा, फिर आप जाओगे ड्यूटी करने। तो बेसिकली एक होता है आपका, एक हेलमेट होता है, सेफ्टी हेलमेट बोलते हैं, जो आपका अगर ऊपर से कुछ गिर ना जाए तो सर बचाता है, वो कवर रहता है, तो वो एक सेफ्टी हेलमेट होता है। उसके बाद आता है, आँख पे आता है आपका आई शील्ड होता है, आई शील्ड मतलब एक चश्मा टाइप होता है। फिर कान के लिए एक होता है ईयर मफ्स होता है, या आप एक हेडफोन टाइप ईयरफोन होता है तो वो पैक हो जाता है, या एक ईयर मफ्स आते हैं रबड़ के आते हैं, वो लगते हैं। तो जब आप तेज़ आवाज़ में काम करने जाओगे तो वो पहन के जाना पड़ता है। और आपका हो गया बॉयलर सूट, बॉयलर सूट पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम पूरा, उसमें पैंट और पूरा एक साइज़ का ही होता है वो, बेसिकली वो पहनना पड़ता है आपको, बॉयलर सूट हो गया। और नीचे आपका हो जाता है सेफ्टी शूज़ हो जाते हैं। सेफ्टी शूज़ बेसिकली जो बने होते हैं, वो उसमें आगे लोहा लगा रहता है, अगर कोई हैवी आइटम गिरे तो आपको पैर पे चोट ना लगे, तो उसमें लोहा लगा रहता है। तो बेसिकली आप पहले अपना शरीर के लिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, वो है जो आपका मैंने बताया, ये 5-6 इक्विपमेंट, और एक हैंड ग्लव्स हो गया आपका, तो ये आपके 5-6 इक्विपमेंट ही हो गए। और जब लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस आता है, अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी हो गए, तो क्या क्या अप्लाइंसेस हैं, तो बेसिकली अगर कोई डूब रहा है पानी में, तो एक हमारा आता है लाइफ बॉय बोलते हैं उसको, गोल सा होता है वो, रबर टाइप नहीं होता है वो, थोड़ा प्लास्टिक टाइप होगा और थोड़ा हैवी होता है वो, उसमें रस्सी वगैरह भी लगे रहते हैं। तो बेसिकली अगर कोई गिरता है शिप पे, तो उसको फेंकते हैं, उसको उसमें फेंकते हैं पानी में, तो वो बंदा उसको पकड़ के तैर सकता है, उसमें एक रस्सी भी लगी रहती है, रस्सी के साथ वो फेंकता है, तो रस्सी वो पकड़ के खींच सकता है उसको, और वो एक गोल टाइप का होता है, जैसे आप लोग स्विमिंग पूल पे देखे होंगे रबर टाइप का होता है, तो वो एक गोल सा होता है। और एक हो गया आपका लाइफ राफ्ट बोला जाता है वो, जो लाइफ राफ्ट होता है, बेसिकली जब आप कोई डूब रहा है, तो छोटा सा जहाज होता है शिप साइड में लगे रहते हैं, आप देखना कभी, छोटी सी जहाज लटकी रहती है ऑरेंज रंग की, आप कभी साइड में शिप पे देखना, तो उसको लाइफ राफ्ट बोलते हैं। लाइफ राफ्ट होता है बेसिकली, वो कभी भी अगर कोई बंदा, अगर ड्रिल वगैरह हो, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, शिप को वो नीचे उतारता है क्रेन, उसके बाद नीचे उतारने के बाद उसमें सारे बंदे जो भी हैं वो चढ़ते हैं अंदर पानी के अंदर, लाइफ राफ्ट के अंदर, उसके बाद वो लोग स्टार्ट कर देते हैं शिप से, वो अलग हो जाता है, फिर वो एक अलग ही छोटा नाव हो जाता है, वो पूरा पैक होता है, और उसके अंदर इमरजेंसी की सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टॉर्च हो गया, जो लाइफ राफ्ट होता है, टॉर्च हो गया आपका, फिशिंग टूल हो गया, और बिस्किट हो गई, ग्लूकोज वाली बिस्किट हो गई, और जो भी आपको ज़रूरत पड़े, ऑरेंज स्मोक मार्कर हो गया, उसके अंदर सब होता है, जो छोटी वाली जहाज होती है लाइफ राफ्ट, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। और उसके बाद आपको मैं बता दूं, जो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई डूबता है, तो उसमें एक और चीज़ काम आती है, जैसे ऑरेंज स्मोक मार्कर हो गया, ऑरेंज स्मोक मार्कर होता है, एक ऑरेंज सा होता है, उसको रिलीज़ करना रहता है, अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उसको फेंक दो उसी समय, तो अगर वो बंदा पकड़ लिया उसको, तो वो अपना रिलीज़ कर सकता है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ऑरेंज पूरा धुआं उड़ जाता है, वो पूरा नीले समुद्र में भी दिखता है, लेकिन बेसिकली रात के लिए जो होता है वो होता है, फ्लेयर्स होते हैं, जो रॉकेट वगैरह होता है आप लोग देखे होंगे, तो उसमें एक शिप पे एक फ्लेयर्स होते हैं, तो फ्लेयर्स को ओपन करना रहता है और आसमान में मारना रहता है, ट्रिंग बनना रहता है उसको, तो आसमान में उड़ जाता है, तो उससे रोशनी चमकती है आसमान में, तो उससे लोग पता चल जाएगा हाँ ये बंदा यहाँ पे है, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी वो डूबता है। एक फ्लेयर हो गया, ऑरेंज स्मोक मार्कर हो गया, और एक होता है VHF मतलब बोलते हैं वॉकी टॉकी, जो होता है चैनल 16 में कनेक्ट रहता है, वो हर शिप से कनेक्ट रहता है, कि अगर कोई बंदा मिसिंग हो गया, तो जो पीछे वाला शिप आ रहा है, तो वो VHF पे बात कर सकता है, उसकी रेंज होती है 50-50 मीटर रहती है रेंज, तो बेसिकली उससे बात कर सकता है VHF से, कि हाँ ये बंदा मिसिंग है, अगर आप शिप पे आ रहे हो तो आप देख सकते हो कि हाँ कोई बंदा है, तो दूसरे शिप से कनेक्ट करने के लिए VHF होता है। और आपके कई इक्विपमेंट और हैं एक्स्ट्रा, जो ये बेसिकली इक्विपमेंट है जो मैंने बताया, ये नेसेसरी हैं, ज़रूरत में काम आते ही आते हैं, तो ये शिप पे रहता है, तो पहले दिन आप जाओगे तो ये सारे इक्विपमेंट, जब शिप पे जाओगे आप लोग, तो पहले दिन आपको सारे ये बताएंगे कि हाँ इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, तो ये आपको पहले दिन बता देंगे, इमरजेंसी के सारे इक्विपमेंट बताएंगे। और हर संडे सैटरडे आपकी ड्रिल होती है बेसिकली, आपको अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो लोग जबरदस्ती एक वो होता है नकली
एक डॉल टाइप होता है, उसको पानी में फेंकते हैं, तो बोलते हैं कि अगर ये बंदा गिर गया कोई तो उसको कैसे बचाओगे, तो उसकी ड्रिल होती है। हर जब आप शिप पे चले जाओगे तो हर एक संडे सैटरडे एक दो घंटे ड्रिल होती है, लाइफ राफ्ट उतरती है, उसमें आप लोग चढ़ोगे और उसको बचाओगे। तो वो हर संडे सैटरडे होती है, जितनी भी RTF कंपनी है वो करवाती हैं, हर संडे सैटरडे ड्रिल होती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर असली में हो गया हमारे साथ तो हम इसको कैसे बचा लेंगे। तो ये होते हैं, ये जो मैंने बेसिकली बताई ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो इक्विपमेंट जो ज़रूरत पड़ेंगी आपको शिप, और वो जब आप जाओगे शिप पे तो आप खुद ही समझ आ जाएगा, और जब ट्रेनिंग करोगे तो वो लोग खुद ही बताएंगे आपको, इनके इक्विपमेंट के यूज़ेस बता देंगे, सारे बता देंगे इनके यूज़ेस क्या क्या होते हैं। तो आप लोग को समझ आया होगा, बेसिक चीज़ बताई है मैंने, जो भी इक्विपमेंट है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जो भी है वो बेसिक चीज़ें, और डिटेल में भी अंदर, तो वो आप जाओगे तो आपको खुद समझ आएगा। सो जिसने भी पूछा था आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जो देता मैंने बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।